के साथ नवीन। और देश में आज से चैत्र के जो नवरात्रे हैं वो शुरू हो चुके हैं और इस वक्त हम पानीपत के ऐतिहासिक प्राचीन श्री देवी मंदिर में हैं और सुबह से यहां पर भक्तों का जो तांता है वो लगा हुआ है। सुबह से भक्त लाइनों में लगे हैं, अपनी अपनी मन्नतें लेकर मंदिर में सुबह से जो भक्त हैं वो पहुँच रहे हैं। इस नवरात्रे की आज से जो है शुरुआत हो चुकी है और पंडित शिवदत्त शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर कितना महत्व है और किस प्रकार से जो नवरात्रों की आज शुरुआत हुई है वो इन्हें देखते हैं। पंडित जी क्या बताना चाहेंगे, आज का जो नवरात्रे हैं वो शुरू हो चुके हैं, सबसे पहला आज नवरात्रा है। जय माता की। सर्वप्रथम तो सभी अपने पानीपत और भारत के सभी देवी भक्तों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 2080 नया संवत्सर प्रारंभ हो रहा है, आज ही हिंदुओं का नया वर्ष प्रारंभ होता है। आज ही हमारे हिंदू सनातन में की सबसे बड़ा जो त्यौहार है चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होती है। आज के दिन सभी हिंदुओं का बहुत गौरव का दिन है, बहुत भाग्यशाली दिन है। आज के दिन की अच्छे से शुरुआत अगर हो गई तो पूरा दिन बहुत अच्छा निकलता है सबका। इसलिए माँ भगवती के चरणों में सभी लोग हाजिरी लगा करके माँ भगवती का पूजन कर करके माँ भगवती का अर्चन कर करके श्रद्धा और विश्वास के साथ, क्योंकि इनको कहा गया है ये श्रद्धा विश्वास रूप है, भोले शंकर और माँ श्रद्धा का विश्वास का ये रूप हैं, तो इनका जो पूजन कर लेता है अर्चन बंदन कर लेता है उसके वो उसका बेड़ा पार हो जाता है, सभी मनोरथ की सिद्धि होती है। अतः आज के दिन सभी लोग घट स्थापन करते हैं, खेतरी बीजते हैं। खेतरी का हरियाली होना, सभी प्रकार से सुख समृद्धि होना, जैसे खेतरी हमारी बढ़ती जाती है वो भगवती का स्वरूप है, वैसे हमारी समृद्धि बढ़ती जाती है, ऐसे हिंदू धर्म में मान्यता है वो देवी का रूप कहलाती है। उसका घट स्थापन होता है, लोग अखंड ज्योति जलाते हैं 9 दिन के लिए, माँ भगवती की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ज्वाला रूपेण संस्था नमस्तस्य 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 नमो नमः कुपुत्रो जायत क्वचिद माता न भवति, ये तो माता है सभी का कल्याण करने वाली है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता पृच्छति, जो जिस प्रकार जिस भाव से पत्र पुष्प फल मीठा नारियल चुन्नी जो भी अर्पित करता है माँ भगवती को उसका सतत कल्याण होता है। और आज का दिन सभी हिंदू मंदिरों में जाकर के सभी प्रकार से अपने परिवार के उन्नति के लिए मनोकामना की पूर्ति के लिए माँ भगवती की प्रार्थना करके आज के वर्ष का प्रारंभ करते हैं। आज हमारे देवी मंदिर में सुबह से ही माँ भगवती का षोडशोपचार ही पूजन हो करके दर्शन के लिए श्रृंगार करके 5 बजे आरती हुई खोला गया, तो हजारों भक्त यहाँ दर्शन कर चुके हैं सुबह से ही। हमारे अग्रवाल वैश्य पंचायत की तरफ से भी यहाँ समिति व्यवस्था की गई है कि भक्तों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। पीछे वाला गेट भी खोल दिया गया है कि किसी को पार्किंग की सुविधा न हो, सीधे पीछे के गेट से सीधे तालाब में अपनी पार्किंग करें और फिर माँ के दर्शन करें, उधर से ही निकल जाएं। तो इस यहाँ पानी की भी व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं समुचित की गई हैं और इसलिए यहाँ निर्विवाद होकर के लोग आते हैं, माँ भगवती का दर्शन करते हैं, अपने जीवन का अपने परिवार का के कल्याण के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं और हम भी सभी भक्तों के कल्याण के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे द्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी भावना के साथ सभी का कल्याण हो, सभी सुखमय रहें अब और माँ भगवती की का सभी पर बरसती रहे। जय माता की। श्री जो अपनी मन्नतें लेके आते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं भाई जो दुखी हैं, कैसे भाई वो मन्नतें पूरी हो जाएं? ऐसा है, ये माँ भगवती मनोकामना की पूर्ति का एक साधन ही है। यहाँ पर जो भी निश्चल भाव से श्रद्धा भाव से भक्ति भाव से अपने कष्ट को अपने दुख को लेकर के माँ के चरणों में आता है, हाजिरी लगाता है, उसकी निश्चित ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सभी कष्टों का निवारण होता है, सभी दुखों का निवारण होता है।
माँ सभी का कल्याण करती है, इसलिए सभी लोग अपने मनोकामना लेकर के अपने कष्टों को दूर करने के लिए माँ के चरणों में आकर के हाजिरी लगाते हैं। कोई विवाह के लिए आता है, कोई धन संपत्ति के लिए आता है, कोई व्यापार के लिए आता है, कोई अपने रोग को दूर करने के लिए आता है, उसकी उसी भावना से सभी प्रकार से सब लोग माँ भगवती सबका कल्याण करती है। जय माता। जो नव जोड़े होते हैं, नवविवाहित जोड़े, तो उनके लिए कितना जरूरी होता है? ऐसा है, संतति को की वृद्धि के प्राप्त के लिए नवदुर्गा से अच्छा कोई समय नहीं होता है। तो यहाँ पर आकर के जो नवविवाहित जोड़े हैं वो माँ भगवती के आकर के चरणों में नारियल चुन्नी अर्पित करते हैं, और यहाँ से फिर माँ के चरणों के दासों के द्वारा उनकी गोद भरी जाती है, तो निश्चित ही संतानोत्पत्ति होती है। इसलिए सभी को जो नवविवाहित जोड़े हैं आकर के श्रद्धा और भाव के साथ अपना यहाँ पर अपने पुत्र उत्पत्ति के लिए, संतानोत्पत्ति के लिए यहाँ आकर के गोद भराई कराते हैं, और उनकी निश्चित ही मनोकामना पूरी होती है। सुबह 5 बजे लाइनों में लग जाते हैं भक्त, लेकिन शाम की किस तरह की तैयारी होती है? शाम की भी तैयारी किस समय से शुरू करते? शाम को जी 3:30 बजे के आसपास मंदिर हमारा खुल जाता है, और उसके बाद निरंतर भक्तों की भीड़ लगी हुई होती है, और यहाँ सब लोग निश्चित रूप से विवाद यहाँ दर्शन करते हैं। शाम को 6:30 बजे सायं आरती होती है, और 9:30 बजे के बाद भक्तों की भीड़ करते हुए सायं आरती होती है। तो यहाँ सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है, तो सभी लोग भक्त आए और श्रद्धा और भक्त और भाव के साथ माँ भगवती का प्रार्थना करें, पूजन करें, अर्पण करें, वंदन करें, जिससे निश्चय ही सभी का कल्याण होगा। तो पंडित सिद्धत शर्मा जी है जिन्होंने आज जो नवरात्र चैत्र नवरात्र शुरू हुई है तमाम जो जानकारी है वो दी है, और नवविवाहित जोड़े के लिए जरूरी है कि वो माता के दरबार में आए और संतान प्राप्ति उन्हें होगी, वो तमाम जो जानकारी है वो आपने सुनी, और बाहर की भी कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए भक्त जो है वो सुबह से ही लाइनों में लगे हुए हैं और लगातार माता के दरबार में अपनी हाजिरी, अपनी मन्नतें लेकर के यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तमाम दर्शकों से अपील कि आप साथ के साथ शेयर जरूर इस वीडियो को करते रहे, ताकि तमाम जो भक्त हैं, माता के भक्त हैं, उन तक ये जानकारी जो है वो पहुँच पाए। तो ये पानीपत के प्राचीन ऐतिहासिक श्री देवी मंदिर से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। आज से जो चैत्र के नवरात्र हैं उनकी शुरुआत हो चुकी है, किस तरह से नवरात्र जो है वो रहने वाले हैं, दिन भर किस प्रकार से आप जो है नवरात्रों की शुरुआत आप कर सकते हैं, किस प्रकार आप पूरी जो व्यवस्था है वो हालांकि देवी मंदिर में भक्तों के लिए जरूर की गई है। हालांकि जो भक्त किसी कारणवश मंदिर के में आकर माता के दर्शन नहीं कर सकते, उन वो घर बैठे माता के दर्शन कर सकते हैं। ऐतिहासिक प्राचीन श्री देवी मंदिर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आज से जो नवरात्रे हैं माता के वो शुरू हो चुके हैं, और भक्तों के लिए ये एक अच्छा वो अवसर है कि वो घर बैठे माता के दर्शन कर सकते हैं। तमाम जो तस्वीरें हैं वो हम आपको देखिए दिखा रहे हैं। सुबह से ही जो भक्त है वो लगातार माता के दर्शन करने के लिए अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ पहुंच रहे हैं, और अपनी मन्नतें लेकर यहां पर पहुंच रहे हैं। माता जो उनकी मन्नतें हैं, जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण करती है। शाम को 3 बजे के बाद जो है फिर से जो आप यहां पर पहुंच सकते हैं और माता के जो दर्शन है वो कर सकते हैं, अपनी मन्नतें यहां पर लेकर आ सकते हैं, अपनी पूजा अर्चना पर जो यहां पर है वो कर सकते हैं। तमाम जो तस्वीरें हैं वो हम आपको पानीपत के ऐतिहासिक देवी मंदिर से दिखा रहे हैं। बाहर देखिए लगातार जो भक्तजन है वो पहुँच रहे हैं, माता के दर्शन ले जा रहे हैं, और शाम को भी हमारी जो यह कोशिश रहेगी कि अब तक ये तस्वीरें ऐतिहासिक देवी मंदिर से पहुंचाई जाए, ताकि आप घर बैठे भी माता के दर्शन कर सके। तो आज से जो नवरात्रे हैं वो शुरू हो चुके हैं, और ये तस्वीरें हम आपको पानीपत के ऐतिहासिक श्री देवी मंदिर से दिखाई, जो घर बैठे आप माता के दर्शन कर सकते हैं और अपनी जो आपकी मनोकामनाएं हैं
वो अपनी मन्नतें जो है वो मान सकते हैं, ताकि जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो माता रानी पूरी करें। तमाम दर्शकों से अपील, वीडियो को आप साथ के साथ शेयर करें। बहुत बहुत